कमर की दर्द है तो अगर आप ये दो फ्लेक्शन मूवमेंट्स करेंगे तो दर्द से तड़फ जाए, दर्द होते हुए भी आप दर्द से निकल आएंगे बिना किसी दवाई के। और अगर बाई चांस आप किसी ऐसी वेटिंग लिस्ट में लग गए हैं कि आपको ये बताया गया है कि अगर यही प्रॉब्लम ऐसे कंटिन्यू रही तो हो सकता है आपको डिस्क सर्जरी करवानी पड़े कुछ सालों में, तो परमात्मा करे कि इसके बारे में जो मैं आपको मूवमेंट्स बताने जा रही हूं इसके बारे में जान के आप उस डिस्क सर्जरी की वेटिंग लिस्ट से निकल आए। सो ईश्वर करें कि जो कुछ भी आज मैं बताने जा रही हूं इसका आप भरपूर फायदा उठाएं। तो ये जो इस एरिया की जो दर्द है कमर में, ये बहुत कॉमन है, और अगर आप सामने आ जाएं तो मैं ये दो मूवमेंट्स, उर्वशी प्लीज कम टू द कम एंड जस्ट लाई डाउन, आप सीधा लेट जाइए, आपको लेटना है एक फ्लैट सरफेस पे, बिल्कुल सीधे फ्लैट सरफेस पे आपको लेटना है, और आपको अपना घुटना मोड़ के रखना है, दोनों घुटने आप मोड़ लीजिए। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि परमात्मा ने इंसान का शरीर इस तरह से बनाया है कि अगर हम इस तरह से कोई फ्लैट सरफेस पे अगर लिटा दें तो इस इलाके से जो मेरा हाथ है वो आराम से निकल जाता है। सो बेसिकली देर इज अ गैप हियर। तो इस एक्सरसाइज को इस तरह से करना है कि जो आपकी कमर, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है इसको दबाना है मेरे हाथ को, अपनी रीढ़ की हड्डी से आप दबाइए मेरे हाथ को, या कुछ ऐसा कीजिए कि ये जो गैप है ये खत्म हो जाए। आप रीढ़ की हड्डी से दबाइए मेरे हाथ को, रीढ़ की हड्डी, वेरी गुड, एक्सलेंट, शाबाश। और आपको हल्का सा पेल्विक टिल्ट देना है, और इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं स्पाइन फ्लेक्शन एंड पेल्विक टिल्ट। बेसिकली अब ये गैप खत्म हो गया है बिकॉज रीढ़ की हड्डी से नीचे दबा रहे हैं ये फ्लैट सरफेस पे, नाउ देर इज नो गैप, अच्छे से दबा सकते हैं। और हल्का सा आप दोबारा करिए इस एक्सरसाइज को, आप अपनी रीढ़ की हड्डी से नीचे दबाइए और हल्का सा पेल्विस को ऊपर उठाइए। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। और अगर आप अपनी कमर दर्द से तड़फ रहे हैं, आई थिंक आई मस्ट थैंक माई हस्बैंड हु इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो हड्डी एवं जोड़ विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने आज से 30 साल पहले मुझे, जब मैं एज ए डॉक्टर 16 घंटे काम करते हुए एक बहुत बिजी और बहुत मेहनत वाले शेड्यूल में, व्हेन आई वाज ऑन बेड फॉर 50 डेज, मैं 50 दिन